हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट उसका नाइन्थ चैप्टर, नवा चैप्टर, मैडम राइड्स द बस, है ना। एक बच्ची है ना, 8 वर्ष की, वो एक बस की यात्रा करती है। अब छोटे जो बच्चे होते हैं, वो उनको इन चीज़ों को देख के, बस हुई, ट्रेन हुई, तो उनका जी बहुत ललचाता है, मन बहुत ललचाता है कि काश हम भी इसमें यात्रा करें। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जो बस जो होती है, बस स्टैंड जहाँ होता है, वहाँ ढेर सारी बसें लगी रहती हैं, है ना। तो छोटे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं, यार पता कैसे चलता है कि कौन सी बस कहाँ जा रही है ना। उनको ये लगता है कि ये मम्मी पापा कैसे ढूंढ लेते हैं कि कहाँ की बस किस जगह पे खड़ी हुई है और उसी बस में हमको बैठना है। उनके लिए एक बड़ा ये आश्चर्य होता है। ऐसे ही आपने देखा होगा, जब बस के अंदर जो कंडक्टर होता है ना, तो वो कई बार एक सीटी बजाता है, कई बार वो दो सीटी बजाता है ना। तो एक सीटी बजाता है तो बस रोकने का इशारा करता है वो ड्राइवर को, और दो सीटी जब बजाता है, शॉर्ट जो होती है ना, पी पी, है ना, तो इसका मतलब वो बस को रवाना करने का सिग्नल दे रहा है। फिर बच्चे बस में जब बैठते हैं, बस की यात्रा करते हैं, तो देखा होगा कि जब बस जो है ना उस पर जा रही होती है, हाईवे मत समझो आप, है ना, जैसे गांव की सड़कें या जो छोटी सड़कें होती हैं जहाँ डिवाइडर नहीं होता, है ना, एक ही सड़क होती है, बीच में डिवाइडर नहीं होता, तो ऐसा लगता है बच्चों को कि हमारी बस जो जा रही है और सामने से जो व्हीकल आ रहा है वो पक्का टकराएगा इससे। उनको लगता है कि इस इतनी छोटी सी सड़क है ना, इस पे इतनी बड़ी बस पे से सामने वाला कैसे बच सकता है। और अब टकराया, लेकिन टक्कर होती नहीं है और वो साइड से निकल जाती है, ठीक है ना, ऐसा बच्चों को लगता है, ठीक है ना। और बच्चों की बहुत तरह तरह की जो है ना वो कल्पनाएं होती हैं इनके बारे में, तो वैसी ही कल्पना इस बच्ची ने की है। छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है वल्ली। इसके राइटर हैं वल्ली कृष्णन। कौन है इसके राइटर? वल्ली कृष्णन है, तो इन्होंने अपने नाम से ही उस बच्ची का नाम रख दिया वल्ली, ठीक है ना। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक स्ट्रांग डिजायर है कि काश मैं भी बस में यात्रा कर सकूं, है ना। तो वही कहानी है इसकी, है ना, बस की यात्रा की, कि जो वो क्या सोचती है जीवन के बारे में और जीवन का असली अर्थ जो है वो क्या होता है ना। तो हम इसको इसमें बहुत ही प्यारे ढंग से लेखक ने इसको समझाने की कोशिश की है, मैडम राइड्स द बस। तो मैडम किसको कह रहा है? वो कंडक्टर उस बच्ची को कहता है, 8 वर्ष की बच्ची को मैडम के नाम से संबोधित वो करता है। तो बिफोर यू रीड, है ना, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, है ना, इस ये जो कहानी है बड़ी संवेदनशील कहानी है, इसमें 8 वर्ष की एक बच्ची है, फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइडर विलेज, और उसकी वो पहली यात्रा होती है अपने गांव से बाहर, इज ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, और ये जो पहली उसकी यात्रा है ये उसका परिचय कराती है रहस्यों से, मिस्ट्री यानी रहस्य, जीवन के रहस्यों से और मृत्यु के रहस्य से। सी सीज द गैप बिटवीन अवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, है ना। अब जैसे हम सबको पता है कि भाई मृत्यु होती है ना, मृत्यु के बारे में हम सबको जानकारी होती है, मृत्यु के बारे में जानना, है ना, और उसको अपने सामने महसूस करना, वो एक बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा एक दृश्य होता है, जब वो अपनी आंखों के सामने किसी की, है ना, एक जो अभी कुछ समय पहले हंसता खेलता नजर आ रहा था कोई भी जीव है, और बाद में जब उसी की आंखों के सामने कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे के लिए वो जो दृश्य है वो उसको कितना गहरे अंदर तक उसको झकझोर देता है। तो ये कहानी इस बच्ची की बहुत ही प्यारी सी कहानी है, जिसमें खूब सारा हंसी मजाक भी है ना, और ये बड़ी वैसी बच्ची है, बहुत ही बोल्ड बच्ची जिसको कहते हैं, है ना, जैसा कि आम बच्चों की कल्पनाएं हुआ करती हैं, वैसी ही इस बच्ची की भी बहुत सारी कल्पनाएं हैं बस की यात्रा को लेकर, कि मैं काश मुझे एक बार, है ना, बस में बैठने का मौका मिले। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा जो बच्चे गांव से
पहली बार जब शहर जाते हैं तो पता है क्या होता है, वो जो सड़क के दोनों तरफ है ना, दीवारों पर और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, विज्ञापन लगे रहते हैं, तरह तरह की दुकानें होती हैं, तो उनका बच्चों का जो मन है ना वो ललचाता है, ललचाता, और वो उनकी नज़रें जो है वो उन्हीं पर जाके टिक जाती हैं, वो सामने देखते ही नहीं है ना। और फिर जो उनके फादर या मदर जो भी साथ चल रहे होते हैं वो उनको डांटते हैं, अरे भाई सामने तो देख ले, टकरा जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन वो जो प्यारा सा बच्चा होता है वो चारों तरफ जो है ना बस सिवाय सड़क के बाकी सब कुछ देखता है वो, क्योंकि सड़क को तो क्या देखना ठीक है। तो इस तरह की बच्चों की भावनाएं होती हैं। तो अब हम इस लेसन को पढ़ेंगे। मैडम राइड्स द बस, इसके चार पार्ट हैं है ना, इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे, फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट और सेकंड पार्ट, और अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे हम। तो अब हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, और अगर आपको देखो मेरे मैथ्स के वीडियोज़ हैं है ना, साइंस के हैं, इंग्लिश के तो हैं ही, आप देख रहे हो है ना, तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें, और इसी तरह के अन्य रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए जो है ना उसको बेल आइकन को हिट करें ठीक है बच्चों। वैसे मैं कहता नहीं हूँ लेकिन मैंने देखा कि जो बच्चे हैं ना वो भूल जाते हैं ना, उनको याद दिलाना पड़ता है। चलो हम शुरू करते हैं। देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली अम्मी, वल्ली अम्मई है ना, जैसे ये दक्षिण भारत में इस तरह के नाम होते हैं, वल्ली अम्मई है ना। तो एक बच्ची थी जिसका नाम था वल्ली अम्मई, हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे शॉर्ट में वल्ली कहते थे। सी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो 8 वर्ष की थी और हर चीज के प्रति वो बड़ी जिज्ञासु थी, उसकी जानने की बड़ी जबरदस्त उसमें उत्कंठा रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका जो पसंदीदा पास टाइम था, पास टाइम का मतलब टाइम पास उल्टा कर दो इसका, जिसको जिसके सहारे हमारा समय बीतता हो तो उसको पास टाइम बोलते हैं या टाइम पास बोलते हैं। उसका सबसे पसंदीदा टाइम पास जो था वो ये था कि वो खड़ी हो जाती थी अपने घर के दरवाजे में, बिल्कुल आगे चौक में खड़ी हो जाती थी, चौक क्या मतलब दरवाजे में बीचों बीच खड़ी हो जाती थी अपने घर के, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और बाहर गली में क्या हो रहा है यह सब कुछ वो देखती रहती थी। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में उसकी उम्र के अन्य प्लेमेट्स नहीं थे, खेलने के लिए बच्चे नहीं थे, उसके साथी नहीं थे खेलने वाले। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल सी हैड टू डू, और बस उसके पास यही था जिसे वो कर सकती थी, यानी दरवाजे में खड़ी होकर बाहर की चीजें गली में देखना। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, बाहर के दरवाजे पर खड़े होना वाज एवरी बिट एज एंजॉयबल, वो उतना ही आनंददायक था एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स, जैसे कि अन्य एलेबोरेट गेम्स होते हैं, एलेबोरेट का मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड गेम्स होते हैं है ना, जटिल जो गेम्स होते हैं जिनमें बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ती है या दिमाग लगाना पड़ता है, तो जितनी उनसे आनंद मिलता है वैसे ही उसको इस काम से भी आनंद, इस गेम से उसे आनंद मिलता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसेस है ना, उस गली में बाहर देखना उसे देता था नए नए अनयूजल एक्सपीरियंसेस है ना, विशेष अनुभव उसे देता था है ना। देखो इस चित्र में दिखाया गया, ये अपना घर जो है इस बच्ची का, वल्ली का, इस घर के दरवाजे में ये खड़ी हो जाती है ना, ऐसे कमर पे हाथ रख के, और ये जैसे कोई ये बस जा रही है, कभी कोई कुछ जा रहा है, कभी कुछ जा रहा है, कुत्ता खड़ा है ना, इस तरह के उन चीजों को वो एक्सपीरियंस करती थी। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, इन सब में से जो अट्रैक्टिव है ना, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो उसकी अट्रैक्टिव था, उसको जो आकर्षित करता था, वॉज ऑल द बस, बस थी वो दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज, जो कि उसके गांव और द जो एंड द नियरेस्ट टाउन, और जो पास का कस्बा था उसके बीच जो यात्रा करती थी है ना, वो बस उसके लिए सबसे ज़्यादा आकर्षक थी, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट उसको वो करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो जो बस थी वो उसकी गली से हर घंटे गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार तो टाउन जाते समय,
कस्बे जाते समय एंड वंस कमिंग बैक और एक बार वापस आते समय द साइट ऑफ द बस उस बस का जो दृश्य होता था फिल्ड ईच टाइम उसे भर देता था हर बार विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स। हाँ इसमें यह है कि द साइट ऑफ द बस वह उस बस का वह वाला दृश्य जिसमें कि फिल्ड विद ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स जिसमें हर बार नए पैसेंजर्स यात्रा करते थे क्योंकि बस में हर बार नए पैसेंजर यात्रा करते हैं वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली और यही बल्ली के लिए एक खूब सारा आनंद देने का कभी खत्म ना होने वाले आनंद देने का जरिया था। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस दिनों दिन वो उस बस को देखती रहती थी एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे ए टाइनी विश क्रैप्ट इन टू हर हेड एक छोटी सी विश एक कामना कल्पना है ना उग आई उसके दिमाग में है ना उठ आई उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो गई एंड ग्रू देयर और वहाँ पे वो बड़ी होने लगी अर्थात उसकी वो जो इच्छा है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है बलवती होती जा रही है बड़ी होती जा रही है। सी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस वह उस बस में यात्रा करना चाहती थी इवन इफ जस्ट वंस चाहे भले एक बार ही करने को मिले लेकिन वो उसके अंदर यात्रा करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर ये जो उसकी कल्पना थी कामना थी ये धीरे धीरे और मजबूत होती चली गई और ज़्यादा मजबूत होती चली गई अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर जब तक कि वो एक ऐसी डिजायर ना बन गई जिस पर कंट्रोल न किया जा सके। ओवरवेलमिंग का मतलब इसको कंट्रोल नहीं किया जा सके नियंत्रित नहीं किया जा सके ऐसी इच्छा में वो परिवर्तित हो गई। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर है ना तो बल्ली घूरती थी स्टेयर यानी बड़े उससे गौर से देखती थी विस्टफुली विस्टफुली का मतलब है देखो लॉन्गिंगली है ना उसकी भी इच्छा जागृत होती थी और इच्छा भी कैसी जागृत होती थी है ना जिसमें थोड़ा सा रिग्रेट हो रिग्रेट का मतलब कि अरे यार मैं तो जा ही नहीं पा रहा है ना खुद के प्रति जैसे सामने वाले को हम कुछ देखते हैं और हम कल्पना करते हैं कि काश यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा इस चीज़ को है ना तो रिग्रेटफुल जो लॉन्गिंग होती है किसी चीज के प्रति जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं हम विस्टफुली। तो वो उन लोगों को विस्टफुली देखती थी जो लोग उस बस में यात्रा करते थे वो चढ़ते थे या उतरते थे जब बस रुकती थी गली के कोने पर देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स उन लोगों के चेहरे जो बस में चढ़ते उतरते थे वो जगा देते थे किंडल का मतलब क्या है यहाँ पर जगा देना उसके अंदर वल्ली के अंदर डिजायर जगा देते थे इच्छा उत्सुकता उत्कंठा जगा देते थे सपने जगा देते थे और आशाएं जगा देते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर और अब वल्ली क्या अगर कोई दोस्त माना उस बस में यात्रा कर आया और वो आके अगर इस बात को बल्ली को बताता था तो क्या होता था देखो ना इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस अगर उसका कोई दोस्त एक आध दोस्त बस में यात्रा कर लेता था और कोशिश करता था वर्णन करने की दृश्यों को उस टाउन के कस्बे के दृश्यों को उससे बल्ली को बताने की कोशिश करता था तो बल्ली वुड बी टू जीलस टू लिसन बल्ली बहुत ज्यादा ईर्ष्या करती थी उसको सुनने में है ना एंड वुड साउट और चिल्लाने लग जाती थी अंग्रेजी में प्राउड प्राउड अच्छा बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है ना तेरे को बहुत ज़्यादा घमंड हो रहा है ना। अब ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज दक्षिण भारत की अलग होती है लेकिन अंग्रेजी में गुस्सा होती थी बल्ली है ना अच्छा प्राउड हो रहा है तेरे को प्राउड हो रहा है ना इस तरह से वो बोलती थी। नीदर सी नॉट हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड है ना अब ये जो प्राउड प्राउड है ना तो वो खुद समझती थी कि इसका मतलब क्या होता पता नहीं कहाँ से सुन लिया उसने ये है ना और ना ही उसके मित्र समझते थे इसका मतलब बट दे यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल लेकिन अक्सर वो इस वाले शब्द को प्राउड प्राउड को एक तरह से ऐसी भाषा के रूप में यूज करते थे जो कि सामान्यतः गाली गलौच के काम में ली जाती है स्लैंग एक्सप्रेशन गाली गलौच समझ लो या जैसे मित्र मंडली समझ लो या जो है ना इनफॉर्मल जो होती है ठीक है ना स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल एक तरह से सिरे से खारिज कर देना किसी की बात को है ना वो ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स बल्ली लिसन्ड केयरफुली टू कन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेवर्स एंड पीपल हु रेगुलरली
यूज्ड द बस, है ना। अब वल्ली क्या करती थी कि कई दिनों तक, कई महीनों तक वो ध्यानपूर्वक सुनती रही, है ना, बातचीत को, कन्वर्सेशन यानी बातचीत को, किन किस किस में, जो उसके पड़ोसी, है ना, या उन लोगों की बातचीत को वो सुनने की कोशिश करती रही सावधानी पूर्वक, जो कि नियमित रूप से उस बस से यात्रा करते थे। एंड सी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन हेयर एंड देयर, और वो उनसे कभी कभार, है ना, बड़ी सावधानी से डिस्क्रीट क्वेश्चंस पूछती थी। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब क्या है यहाँ पे, केयरफुल क्वेश्चंस, है ना। इस तरह से वो अपनी जो जिज्ञासा थी, है ना, अपनी जो क्यूरियोसिटी थी, उसको शांत करने के लिए, अपने प्रश्नों का उत्तर देने के लिए घुमा फिरा के प्रश्न पूछती थी, जिससे उनको ये नहीं लगे कि वल्ली खुद घूमने जाना चाहती है, ठीक है ना। इस तरह से वो अपनी प्रश्नों की जिज्ञासाओं को शांत करती थी। दिस वे, इस तरह से सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, इस तरह से उसने छोटी छोटी अनेक जानकारियां इकट्ठी कर ली अबाउट द बस जर्नी, बस जर्नी के बारे में, बस की यात्रा के बारे में उसने छोटी छोटी अनेक जानकारियां इकट्ठी कर ली। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, वो जो कस्बा था जहां पर वो बस जाती थी, है ना, वो उसके गांव से 6 मील दूर था, है ना। मील जो है ना बेटा, जैसे 2 किलोमीटर, 2 मील जो होता है वो 3 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उसका जो वो जो कस्बा था वो गांव से 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, उस जमाने में 30 पैसे बहुत बड़े हुआ करते थे। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, है ना। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, है ना, और इस किराए के बारे में, 30 पैसे किराए के बारे में उसने सुना था एक वेल ड्रेस्ड मैन को, है ना, एक अच्छे सूट बूट वाले आदमी को कहते हुए सुना था। ये तो बहुत कम फेयर है, द फेयर वाज, है ना, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग, ये तो कुछ भी नहीं है, है ना, ये जो फेयर है 30 पैसे, ये नथिंग एट ऑल, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा उसने एक टाई सूट बूट वाले एक व्यक्ति को कहते हुए सुना था। हु स्केयर्सली सॉ दैट मच मनी, लेकिन वल्ली ने तो इतना पैसा मुश्किल से ही कभी देखा था। फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, ना इस महीने ना अगले महीने, यानी किसी भी महीने में वल्ली ने तो 30 पैसे कभी देखे भी नहीं थे। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, उसके लिए तो ये बड़े सौभाग्य की बात थी इतने पैसे होना, क्योंकि वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और वो जो यात्रा थी उस बस की, वो टाउन तक पहुंचने में कितने मिनट लगते थे उसको, 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, और वहां कस्बे में पहुंचकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अब वो वल्ली सोच रही है ना कि 45 मिनट लगते हैं, और अगर वो वहां पहुंचकर अपनी सीट पे ही बैठी रहे एंड पेड अनोदर 30 पैसे और 30 पैसे और चुका दे उधर की तरफ लौटते वक्त के, तो सी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस लौट आएगी। दिस मीन्स दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, तो वो सोच रही है कि इस तरह से अगर माना वल्ली 1 बजे की बस ले लेती है, 1 बजे दोपहर की बस ले लेती है, रीच द टाउन एट 1:45 और कस्बे में 1:45 पे पहुंच जाती है 1:45 पर, एंड बी बैक बाई अबाउट 2:45, और वो 15 मिनट बस रुकती है, उसके बाद 2:45 तक घर लौट आएगी। तो ऐसा उसने प्लानिंग करी। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, है ना, उसके विचार उमड़ते घुमड़ते रहे उसके मन मस्तिष्क में। एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, उसने गणना करी, हिसाब लगाया और जोड़ घटाव किया, उसने हिसाब लगाया, प्लान्ड एंड रीप्लान, प्लानिंग करी और दोबारा से प्लानिंग करी, इस तरह से उसने अपनी योजना बनाई। अब इसका सेकंड पार्ट है। अच्छा तो ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे, है ना, एक खुशनुमा मौसम के दिन, बसंत के एक खुशनुमा मौसम के दिन, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट, वो जो दोपहर की बस थी वो उस पॉइंट पर थी, ऑफ लीविंग द विलेज, जो गांव को छोड़ने वाला पॉइंट था, यानी गांव से डिपार्चर का जो पॉइंट था उस जगह पे बस थी, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और वो मेन हाईवे पर पहुंचने वाली थी, मेन हाईवे पर मुड़ने वाली थी। वेन ए स्मॉल वॉइस, उसी समय एक छोटी सी आवाज वाज हर्ड, सुनी गई शाउटिंग, चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रोको, बस रोको। एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ उठा हुआ था कमांडिंगली, माना कि वो क्या दे रहा हो, आदेश दे रहा हो।
बस स्लोड डाउन टू ए क्रॉल। क्रॉल का मतलब होता है जैसे जब बस रुक, आपने देखा होगा कई बार जो बस वाले होते हैं ना, तो वो जैसे सवारी चढ़ानी होती है तो बस जो है ना उसको धीमा कर लेते हैं बस को, है ना, बिल्कुल रोकते नहीं है वो, और हल्की हल्की चल रही तो ही चढ़ा लेते हैं वो, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो उसको क्रॉल कहते हैं, यानी बहुत धीरे धीरे रेंगना बस का। तो बस धीमी धीमी हो गई और वो जस्ट रेंगने लगी, यानी बहुत कम स्पीड हो गई। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था बस का, स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, दरवाजे में से अपना सिर बाहर निकालते हुए सैड, उसने कहा, हरी देन, तो फिर जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, है ना, जिसे भी आना है उसे कहो जल्दी से आए। इट इज मी, साउटेड बल्ली, अरे मैं ही हूं, मुझे ही जाना है, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं ही हूं वो जिसे की यात्रा करनी है, बल्ली ने कहा। बाई नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, और अब इस समय तक बस क्या हो चुकी थी, रुक चुकी थी, इस समय तक बस रुक चुकी थी, स्टॉप ले चुकी थी वो। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओह रियली, अच्छा आप हो, यू डोंट डोंट से सो, है ना, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था, मैंने तो सोचा कोई और है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, यस, हाँ, बल्ली बोल रही है, मुझे बस टाउन तक जाना है, सैड बल्ली, बल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और अभी भी वो कहाँ पे खड़ी हुई थी, बस के बाहर खड़ी हुई थी, और बस के बाहर खड़ी खड़ी नहीं बोला उसने कि मुझे ही टाउन तक जाना है, बस मैं टाउन जाना चाहती हूँ, जाऊंगी, एंड हेयर इज माई मनी, और ये लो, ये देखो मेरे पास पैसा भी है। सी सोल्ड हिम सम कॉइन्स, उसने कंडक्टर को कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अच्छा ठीक है भाई, कंडक्टर ने कहा, लेकिन पहले आप ऊपर तो चढ़ाओ, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और उसने अपना हाथ बढ़ा दिया आगे उसकी सहायता करने के लिए, ऊपर चढ़ाने में हेल्प करने के लिए। नेवर माइंड, सी रिप्लाइड, सी शेड, उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप चढ़ सकती हूँ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तो आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, वो थोड़ा सा मजाकिया लहजे का व्यक्ति था, है ना, और थोड़ा सा मजाक करने का उसे शौक भी था, कंडक्टर को। ओह प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, क्या बोला उसने, मैडम बोला उसको, क्योंकि 8 वर्ष की बच्ची और ऐसा वो कर रही है, इतनी कॉन्फिडेंट है वो। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी, अब वो कह रहा है, मेरे से गुस्सा मत हो आप मेरी प्यारी मैडम, ही सैड, उसने कहा, कनेक्टर ने कहा, हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, ये दे, ये लो, आपकी बिल्कुल आगे की तरफ दाई ओर वो रही आपकी, राइट अप देयर, है ना, फ्रंट, सामने की तरफ आपकी सीट है, उस पर आप बैठ जाइए, उसे ग्रहण कर लीजिए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, मेक वे फॉर मैडम, अब वो कह रहा है, अरे भाई सब रास्ता दो, रास्ता दो, मैडम आ रही हैं, इस तरह से वो बोला, मैडम के लिए रास्ता दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, स्लैक टाइम का मतलब होता है सुस्ती का टाइम, है ना, एक तो होता है जैसे सुबह शाम होता है तो उस समय जाने वालों की और आने वालों की भीड़ होती है ना, और जो दोपहर का या ऐसे समय जो होता है उस समय थोड़ा सुस्ती वाला टाइम, सुस्ती का मतलब है यात्री भार कम होता है ना, यात्रियों की आवागमन जो होता है वो कम होता है, तो ये स्लैक टाइम था। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और अभी बस में किस सिर्फ मात्र 6-7 सवारी ही थी, और सवारी रास्ते में से और चढ़ जाएंगी। देवर ऑल लुकिंग एट वल्ली, और वो सारी की सारी सवारी किसकी ओर देख रही थी, वल्ली की ओर देख रही थी। लाफिंग विद द कंडक्टर, है ना, और कंडक्टर से क्या हो रही थी, वो सवारियां हंस रही थी। वल्ली वाज ओवरकम विद शाइनेस, वल्ली भी थोड़ी शर्मा गई, है ना, अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, अन्य व्यक्तियों से, है ना, वो जो अन्य लोग थे उनसे आंखें चुराते हुए, है ना, आंखें न मिलाते हुए, सी वॉक्ड क्विकली, वह फटाफट से चली गई टू एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट पर, एंड सेट डाउन, और वहां पे जाके बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर मुस्कुराता हुआ बोला, क्या मैडम अब हम चलें,
देन ही ब्लू हिज विसेल ट्वाइस, है ना। अब उसने अपनी दो बार सीटी बजाई। तो मैंने बताया ना आपको कि एक बार सीटी तो किसके लिए बजाते हैं, जब रोकना होता है, और दो बार सीटी कब बजाता है, जब वो जब बस सवारी चढ़ जाती है तो वो पी पी ऐसे दो बार बजा देता है ना, या प्र प्र दो बार बजा के चल देता है वो। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस है ना, रोर का मतलब होता है दहाड़, है ना, और यहाँ पे क्या अर्थ है इसका, तेज, और मतलब तेज आवाज के साथ वो आगे बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, वो बस कैसी थी, नई बस थी वो। इट वॉज ए न्यू बस, नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमिंग वाइट, उसका जो बाहर जो हिस्सा था वो शानदार चमकना, है ना, वाइट कलर का चमकता हुआ पेंट उस पर हो रखा था, और उस पर सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स, और उस पर कुछ हरे रंग की पट्टियाँ हो रखी थी, पट्टियाँ ड्रॉ हो रखी थी, है ना, हरे रंग की पट्टियाँ खिंची हुई थी उसकी जो बस की जो साइड थी उस पर। इनसाइड, उसके अंदर, द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, है ना, जो ओवरहेड बार का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो यात्री खड़े रहते हैं, है ना, वो गिर नहीं पड़े, उनके पकड़ने के लिए दो पाइप लगे रहते हैं उसमें, बस में उसकी पूरी लंबाई में, है ना, जैसे कि वो पकड़ने के काम आते हैं, तो उनको ओवरहेड बार्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब वो आपने देखा होगा ओवरहेड जो बार्स होते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, वो लोग उनको पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना, तो उनका ऊपर जो पेंट होता है वो हट जाता है, और अंदर का जो स्टील होता है वो बिल्कुल चमकने लग जाता है। तो लोहे की होती हैं वो, स्टील की, लेकिन वो बिल्कुल सिल्वर जैसी हो जाती हैं, चमकनी हो जाती हैं घिस घिस के। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, अबोव द विंडशील्ड, और वल्ली के बिल्कुल सामने की तरफ, विंडशील्ड बोलते हैं जो आपने देखा होगा बसों के अंदर आगे जो कांच लगा रहता है ना, तो वो विंडशील्ड कहलाता है, क्योंकि उससे हवा अंदर नहीं आ पाती है, और देख भी सकते हैं उससे, उसको विंडशील्ड बोलते हैं। और तो वल्ली के बिल्कुल आगे विंडशील्ड के ऊपर देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, है ना, जो उसकी सीट थी वो बड़ी मुलायम थी और आरामदायक थी, ठीक है ना, मुलायम और आरामदायक थी। लेकिन आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, जो बिल्कुल ठेठ गांव में चलती हैं बसें, ना एक गांव से दूसरे गांव में, और वो पुराने ज़माने की होते हैं, बिल्कुल खटारा बस जैसी होती हैं, ना उनकी सीट भी पता नहीं भगवान जाने किस ज़माने की होती हैं, और गांव के लोग जो होते हैं ना, वो बड़ा तेल लगाने में बड़े माहिर होते हैं, वो है ना बालों में तेल लगा के रखते हैं, और सिर को जो पीछे की जो वो होती है उस पर उनका सिर जमता है, तो वो जो पीछे की सीट का कवर होता है वो बिल्कुल तेलिया हो जाता है, काला काला धब्बे लगे रहते हैं, ठीक है ना। चलो मजाक कर रहा हूँ, बता है ना, मजाक नहीं है, तो खैर असलियत है ये गांव की सड़कों की, सड़कों जो बस चलती है उनके लिए। वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज, है ना, अब वल्ली जो है वो हर दृश्य का स्वाद ले रही है। डेवर का मतलब होता है स्वाद लेना, है ना, तो वल्ली हर चीज का अपनी आंखों से स्वाद ले, तो इसका मतलब क्या है, हर दृश्य को वो आनंद से देख रही है। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जैसे ही उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, उसने पाया कि उसका जो व्यू है वो रुक रहा है, वो पूरा ढंग से देख नहीं पा रही है, बाय ए कैनवस, एक मोटे पर्दे की वजह से, कैनवस ब्लाइंड, एक मोटे पर्दा लगा हुआ है, मोटे कपड़े का पर्दा लगा हुआ है, उसको बोलते हैं कैनवस ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी पर्दा, कैनवस यानी मोटे कपड़े का। That covered the lower part of her window, जो कि उसकी विंडो के नीचे के हिस्से में लगा हुआ था, तो वो ऐसे समझो जैसे पूरी जो विंडो है उसमें नीचे का आधा हिस्सा किससे कवर हो रखा है, मोटे कपड़े के पर्दे से कवर हो रखा है, ऊपर का खुला है। अब जो बड़े लोग होते हैं उनकी तो थोड़ी लंबाई ज़्यादा होती है, तो वो तो देख लेते हैं ऊपर वाले हिस्से, लेकिन वल्ली तो खुद ही छोटी थी, तो उसका तो सारा ही सारा व्यू रुक गया, ठीक है ना, उसकी वजह से। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पे खड़ी हो गई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस पर्दे के ऊपर से देखने लगी, पर्दे के ऊपर से वो झांकने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, कैनाल बोलते हैं नहर को, है ना, बैंक यानी किनारा। बस जो थी अब वो एक नहर के किनारे पर, कोई सड़क होगी उस पर जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, जो सड़क थी वो कैसी थी, बहुत सकड़ी थी। ऑन वन साइड, एक तरफ देयर वाज द कैनल, है ना, नहर थी, एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, है ना, ऐसे समझो, देखो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, है ना, चलो ये पूरा पढ़ लेते हैं पहले, फिर समझाऊंगा आपको, है ना।
ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ क्या थी कैनल थी, एंड बियॉन्ड इट और उससे उसके पार दूर पाम ट्रीज पाम के पेड़ थे, है ना, ग्रासलैंड हरी हरी घास थी, डिस्टेंट माउंटेन्स दूर पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही थी, एंड द ब्लू ब्लू स्काई और नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा था। ऑन द अदर साइड और दूसरी ओर वाज ए डीप डिच, एक गहरी खाई थी, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स और उस खाई के बाद एकड़ पे एकड़ यानी बहुत बड़ा भूभाग, एकर्स एंड एकर्स का मतलब खूब सारी मात्रा में, खूब लंबा चौड़ा भूभाग हरे हरे ग्रीन फील्ड्स का, है ना, हरियाली भरे खेतों का था, ग्रीन 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 एज फार एज आई कुड सी, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी जितना कि उसकी आंखें देख पा रही थी, है ना। तो ऐसे समझो, देखो मैं यहां समझाता हूँ आपको, जैसे ये नहर है ना, इसमें क्या बह रहा है, पानी बह रहा है, यहाँ पे ये नहर का ये सड़क है, यहाँ बस इस सड़क पे जा रही है, तो इस पे ये नहर हो गई और यहाँ से फिर इधर की तरफ जो है इसने बताया है कि उसके बियॉन्ड क्या था, पाम ट्रीज थे, घास थी, घास के मैदान थे और उससे आगे क्या थे, माउंटेन्स थे और उसके नीला नीला आसमान था, इधर की तरफ क्या है, यहाँ इसके जस्ट पास में खाई थी, गहरा गड्ढा था, फिर इस गहरे गड्ढे के इधर की तरफ क्या था, खूब सारे हरे 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 हरियाली भरे पेड़ थे, खेत थे, ठीक है। ओह इट वाज ऑल सो वंडरफुल, है ना, ओह ये सब कुछ कितना सुखद था, कितना आश्चर्य कर देने वाला और सुखद था। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, अचानक से वो चौंक गई एक आवाज को सुनकर। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सेड द वॉइस, वो आवाज कह रही थी, उस एक आवाज आई, सुनो बच्चे, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, आपको ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाइए। तो ऐसी एक आवाज वल्ली ने सुनी। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, सी लुक्ड, वह उसने देखा, वल्ली ने टू सी, है ना, उसने नजर डाली ये देखने के लिए, हु हैड स्पोकन, की आखिर ये आवाज किसकी थी, किसने बोला ये। इट वाज एन एडरली मैन, ये एक वयस्क व्यक्ति थे, है ना, एक वृद्ध व्यक्ति समझ लो या वयस्क व्यक्ति थे, बड़े आदमी थे ये, है ना, उम्र में बड़े। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हस, जो कि वास्तव में ईमानदारी से उसके प्रति कंसर्न थी उनकी, यानी उसके प्रति वो चिंतित थे, है ना। बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन बल्ली उसके उस अटेंशन की वजह से अनॉय हो गई, है ना, अनॉय का मतलब चिढ़ गई उससे, कि इसको क्या पड़ी है। अब क्या बोलती है, देखो, देयर इज नो बडी हेयर हु इज चाइल्ड, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, उसने कहा था कि चाइल्ड बैठ जाओ, बच्चे बैठ जाओ, उसने कहा यहाँ कोई बच्चा बच्चा नहीं है। सी सैड हॉटिली, है ना, उसने बड़े गर्व से कहा, हॉटिली यानी प्राउडली, है ना, उसने बड़े गर्व से कहा यहाँ कोई बच्चा बच्चा नहीं है। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, अन्य व्यक्तियों की तरह मैंने खुद ने भी अपने 30 पैसे दिए नकद, है ना, इसलिए मैं कोई बच्चा बच्चा नहीं हूँ। द कंडक्टर चाइम्ड इन, कंडक्टर भी हंसते हुए बोला, है ना, उसने भी हंसते हुए बोला, ओह सर, अरे श्रीमान, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम, ये बच्ची नहीं है, ये बच्चा नहीं है, ये तो एक बहुत वयस्क मैडम है ना, बड़ी मैडम है ये तो। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्या आप ऐसा जानते हैं, क्या आप ऐसा कल्पना करते हैं, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मात्र एक एक छोटी बच्ची खुद अपना जो फेयर है किराया पे कर सकती है और वो शहर अकेली जा सकती है, क्या आप ऐसा सोचते हैं, है ना। तो वो कह रहा है, एक तरह से उस बच्ची को चिढ़ा रहा है वो, कि ये कोई बच्ची नहीं है, ये ग्रोन अप मैडम है, ये बड़ी मैडम है। तो ये जॉली किस्म का था ना वो। वल्ली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वल्ली ने उस कंडक्टर को घूर के देखा गुस्से से, एंड शेड, और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूं, प्लीज रिमेंबर दैट, कृपया ध्यान रखो इस बात का, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और अभी तक तुमने मेरा टिकट नहीं दिया है, फटाफट चलो टिकट दो मेरा। उसकी बोलती बंद कर दी। आई विल रिमेंबर, अरे मुझे याद है भाई, मुझे याद है, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर बोला, मिमिकिंग,
नकल करते हुए, कॉपीइंग में विक मतलब क्या होता है, नकल करते हुए, हर टोन उसी की टोन को नकल करते हुए उसने कहा, अरे मुझे याद है भाई, मुझे याद है। एवरी वन लाफ्ड, हर व्यक्ति बस में बैठा हुआ हंसने लगा। एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और धीरे से है ना, धीरे धीरे वल्ली ने भी उन सबको उस हंसी में ज्वाइन कर लिया, यानी वो भी हंसने लग गई। अच्छा बच्चों देखो, एक मैं बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ कि अगर कोई आपका मजाक बनाए, है ना, जैसे क्लास में अगर कोई मजाक बना रहा है ना, तो अगर तुम चिढ़ गए तो पक्की बात है कि वो अगली बार तुम फिर मजाक बनेगा तुम्हारा। और अगर तुम चिढ़े नहीं और उसको भी तुम भी हंसने लग गए उनके साथ में, तो फिर वो अगली बार तुम्हारा मजाक नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता चल गया यार ये तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना, ये तो बेजोर में, तो इसलिए चिढ़ना नहीं चाहिए। तो उसने, वल्ली ने भी उन सबकी हंसी में ज्वाइन कर लिया। अगर वो मुंह फुला के बैठती तो खुद का दिमाग खराब करती, उनका तो क्या बिगड़ता, ठीक है ना। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया। पंच का मतलब एक वो होती है मशीन सी होती है, उसमें ना खांचे से होते हैं, उसमें वो खांचा बना देती है, स्लॉट कर देती है, ठीक है ना, कट लगा देती है उसमें। कंडक्टर ने टिकट को पंच किया एंड हैंडेड इट टू हर, और उसे थमा दिया, वल्ली को थमा दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना, अब उसने कहा अब आप आराम से बैठ जाइए और कंफर्टेबल हो जाइए, अपने आप को कंफर्टेबल कर लीजिए, यानी बिल्कुल आराम से बैठ जाइए आप। वाई शुड यू स्टैंड वेन यू पेड फॉर ए सीट, तुम्हें खड़े क्यों होना चाहिए जब तुमने पेमेंट किया पूरी सीट का, तुम्हें खड़ी क्यों, खड़ा तो वो रहे जिसने पेमेंट नहीं किया उस सीट का, है ना, तो तुमने तो भाई सीट का पेमेंट किया है, इसलिए तुम आराम से बैठो। अब बल्ली फिर कह रही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी आंसर, वो बोली नहीं, मुझे तो खड़ा ही होना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ खड़ा होना, मुझे मजा आ रहा है, तुम कौन होते हो, स्टैंड अप अगेन। फिर दोबारा से खड़ी हो गई और कह रही नहीं मुझे तो खड़ा ही चलना है ना, तुम्हें क्या मतलब, तुमको तो पैसे चाहिए ना, मैंने दे दिए। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, है ना, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न और हिट्स ए बम्प, है ना। अब वो, दैट इज वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, फिर छेड़ दिया उसको, फिर एक आदमी ने फिर उसको बच्चा कह दिया, चाइल्ड बोल दिया, है ना। बट एक व्यक्ति बोला, अगर तुम खड़ी रहोगी सीट पर तो तुम गिर जाओगी, यू मे फॉल, गिर जाओगी, एंड हर्ट योर सेल्फ, और तुम अपने आप को क्या कर लोगी, हर्ट कर लोगी, है ना। कब, जब या तो बस तेज मोड़ लेगी, है ना, तेज मुड़ेगी किसी टर्न पर, और हिट्स ए बम्प, या किसी, जो बम्प का मतलब होता है कोई खड्डा आ जाए, है ना, गड्ढा आ जाए, है ना, या पिट जैसे होते हैं, या वो क्या नाम, स्पीड ब्रेकर होते हैं, वो आ जाए तो एकदम, बस क्या होता है, एकदम तेज ब्रेक लगाता है ड्राइवर, है ना, तो उस समय गिर जाओगी तुम। दैट इज वाई वी वॉन्ट यू टू सिट, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं बैठने के लिए बच्चे, फिर उसको बच्चा कह दिया। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैंने तुमने कहा था ना मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूं, सी सैड इरिटेबली, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, वो थोड़ा सा इरिटेट होते हुए बोली, है ना, थोड़ा सा चढ़ते हुए बोली, मैं 8 वर्ष की हूं, कोई बच्ची नहीं हूं मैं, ठीक है ना, दूध पीती बच्ची नहीं हूं। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 ईयर्स। अच्छा ये उसी ने कहा था, कंडक्टर महाशय ने कहा था ये, और ये हाँ, निस्संदेह निस्संदेह, मैं कितना पागल हूँ, आप तो 8 वर्ष की हो माई, फिर वो मैडम कहना चाह रहा था लेकिन कहानी रुक गया। द बस स्टॉप्ड, सम बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स गेट ऑन, कुछ नए सवारी उसमें चढ़ गई, कुछ नई सवारियां चढ़ गई उसके अंदर। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर कुछ देर के लिए क्या हो गए, व्यस्त हो गए, कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गए। कुछ यात्री चढ़े और कंडक्टर क्या हो गए, कुछ देर के लिए बिजी हो गए। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, है ना, इस डर के मारे कि मैं अपनी सीट से हाथ ना धो बैठूं, वल्ली फाइनली सेट डाउन, क्योंकि अब और ज्यादा सवारियां आ गई ना, तो उसने कहा मेरी सीट सीट पे कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए वो फाइनली बैठ गई। एन एल्डरली वोमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी महिला आई और उसके पास बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, सी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा से चलना शुरू की वो बोली बल्ली से, क्या आप अकेली हो मेरी प्यारी,
वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, है ना। वल्ली ने उस महिला को बिल्कुल रिपल्सिव पाया, है ना, जैसे कि उसको देखते ही घृणा होने लग जाए, घिन होने लग जाए, ऐसी थी वो महिला, है ना, उसको गुस्सा आने लग जाए देखते ही, है ना। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, है ना। अब वो आपने देखा होगा बेटा जो है ना, बहुत सारी महिलाएं है ना गांव के अंदर या वैसे जो होती है ना जो ट्राइब्स होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं, बहुत भारी भारी कानों में, और फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वो जो उनके वजन की वजह से, कुंडल के वजन की वजह से वो जो छेद है वो चौड़ा होता जाता है, चौड़ा कर वो लटक लटकने लग जाता है वो नीचे की तरफ कान में, है ना। तो बड़े बड़े छेद छेद हो गए थे उनके ईयर लोब्स में, है ना, ईयर लोब्स जो कान का जो नीचे का होता है ना, जहाँ पे जैसे वो छेद करते हैं वो वाला हिस्सा। एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम, और उसने बड़ी भद्दी सी ईयर रिंग्स पहन रखी थी उस महिला ने। एंड अभी और आएगा कि क्यों उसको उसको देख के डिसलाइक हुई उसे। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग, है ना, और उसमें से स्मेल आ रही थी, है ना, पान चबाने की होती है, कई महिलाएं लाल लाल पता नहीं क्या अजीब सा पान चबाती रहती हैं, है ना, द बीटल जूस, और उस बीटल का जो पान का जो रस था, है ना, जो जूस था वो ऐसा लग रहा था, वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, के बस वो अब टपका और अब टपका उसके होठों से, है ना, बिल्कुल होठ लाल हो रहे थे, मुंह भर रहा था पूरा, ऐसा लग रहा था अब टपका और अब टपका, इसलिए उसको उससे क्या हुई, रिपल्सिव, है ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हुई उसको वल्ली को उस महिला के प्रति। उग, है ना, उग उग का मतलब होता है बड़े ऐसे, है ना, उफ ऐसे करते, उफ। वुड यू लाइक बी, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कौन ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहेगा, वल्ली ने अपने आप से कहा, कौन ऐसे व्यक्ति से जान पहचान या बोलना चाहेगा। अब फिर भी वो बोली, यस हाँ, आई एम ट्रैवलिंग अलोन, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, तू कौन होती है, सी आंसर्ड कर्ल्डली शोइंग डिसप्लेजर, है ना, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए, है ना, थोड़ा सा रूखेपन से वो उसने आंसर दिया वल्ली ने। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है, कहीं तुम ऐसे सोच रही हो कि बस ये यूं ही जा रही है। यस सी हैज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर, फिर कंडक्टर फिर बीच में आके बोल पड़ा, हाँ, और उसके पास टाउन वह ये जो है ये कस्बा जा रही है, ये कस्बे की यात्रा करने जा रही है, कस्बे की यात्रा पर है ये, विद ए 30 पैसे टिकट, और इसके पास 30 पैसे का टिकट भी है ये लो क्योंकि जॉली था ये। ओ वाई डोंट यू माइंड यूर ओन बिजनेस, सैड बल्ली, बल्ली बोली, तुम खुद अपने धंधे से धंधा, तुम अपने उससे काम से काम क्यों नहीं रखते हो, है ना, फटे में टांग क्यों अड़ा रहे हो, तुम अपना काम करो ना, ऐसे वो बल्ली बोली, तुम अपना खुद का काम देखो। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन उसे हंसी भी आ गई, बल्ली को क्या आ गई, हंसी भी आ गई। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंसने लग गया। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, है ना, ड्रिवल का मतलब होता है सिली नॉनसेंस, है ना, फालतू की बात है ना करना, है ना, जबरदस्ती फटे में टांग अड़ाना, है ना, लेकिन वो जो वृद्ध महिला थी बस वो बके जा रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, है ना, जैसे कहते हैं ना जो होते हैं, अरे आजकल तो ज़माना ही ख़राब हो गया, है ना, बस जो बुजुर्ग होते हैं ना वो अपने ज़माने को याद करके उसकी अच्छाइयों को याद करते हैं, और वर्तमान ज़माने को वो घटिया साबित करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसा ज़माना आ गया। तो ऐसे ही वो बोल रही थी, क्या कह रही थी वो, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या इस तरह से एक छोटे बच्चे को अकेले यात्रा करना ठीक है, डू यू, अब मनी मन में बोलती जा रही है ना, डू यू, या औरों की तरफ देखते हुए बोलती जा रही है, डू यू नो एग्जैक्टली, अब उसको कह रही है, वल्ली को कह रही है वो, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है कि एग्जैक्टली तुम टाउन में जा कहाँ रही हो, किस जगह पे जा रही हो, वॉट इज़ द स्ट्रीट, गली का नाम क्या है, वॉट इज़ द हाउस नंबर, कौन से घर में जा रही हो, उस घर का नंबर क्या है, तुम्हें पता भी है, या वैसे ही वहाँ जाके भूल जाओगी या भटक जाओगी। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, बल्ली बोली, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपना ध्यान रखो, है ना, तुम अपना अपने काम से काम रखो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, बल्ली सेड, बल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, और
आउट, और उसने अपना जो चेहरा था वो विंडो की तरफ मोड़ लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। तो बल्ली जो है ना बेटा, वो क्या पहली बार घर से बाहर निकली और थोड़ी सी प्यारी सी बच्ची है, और होते हैं ना कई बच्चे थोड़ा चंचल होते हैं, तो वैसी ही ये बच्ची है। ठीक है बच्चों, आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, मुझे आप मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ना। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।